हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अड्डा 247। दोस्तों, आज हम बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन करेंगे, वो भी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के अंदाज में, मतलब जैक स्पैरो, एलिजाबेथ स्वान और ब्लैक पर्ल। ऐसा वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, तो आप उसे देखेंगे और हम साथ में इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे सवाल क्या है कि एलिजाबेथ स्वान इन ब्लैक पर्ल शिप विच इज़ 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। शिप स्प्रिंग्स अ लीक विच एडमिट्स टू 1/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 5/1/2 मिनट। मतलब उसमें लीक हो गया जिसमें से पानी निकल रहा है इतना हर इतने मिनट में, ये भी सही बात है। एक आउटलेट टैंक है जो कि 12 टन ऑफ वाटर हर घंटे में निकालता है, ये भी सही है। फाइंड एट वाट स्पीड इट शुड मूव सच दैट वेन इट बिगेंस टू सिंक, जब ये डूबने वाला है तो एक रेस्क्यू शिप आता है जिसमें कौन है, जैक स्पैरो है, और जो 6 किलोमीटर पर आर की वेलोसिटी से चलता है और एलिजाबेथ स्वान को बचा लेता है। तो 69 टन ऑफ वाटर जो डू मतलब 69 टन ऑफ वाटर एनफ है कि ब्लैक पर्ल इतने पानी अगर उस पर चढ़ गया तो डूब जाएगा। सवाल समझो कि एक बंदा है जैक स्पैरो जो एलिजाबेथ स्वान को बचाने के लिए जाता है, स्पीड दी हुई है एलिजाबेथ स्वान की, शिप की स्पीड आपको नहीं पता है, जैक स्पैरो की शिप की स्पीड आपको पता है, और 77 किलोमीटर दूर है शोर से, किनारे से। अच्छा, अगर ये सवाल आपको सॉल्व करना होगा तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि आपको क्या निकालना है। सवाल भले से इतना बड़ा हो बट आपको निकालना क्या है, आपको स्पीड निकालनी है, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपको पता है तो मतलब आपको टाइम निकालना है। तो अगर मैं इस बात से मान लो पूरा सवाल निकालने की कोशिश करूँ कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जब से जब उसके लीक हुआ, ठीक है, तो जैक स्पैरो यहाँ से निकलता है, मतलब जैक स्पैरो यहाँ से निकलेगा एलिजाबेथ स्वान को बचाने के लिए, और ये ब्लैक पर्ल है और ये उसकी जैक स्पैरो के शिप का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो सवाल पूरा कहाँ नहीं निकलेगा। मतलब हमें चाहिए टाइम, डिस्टेंस हमको पता है, स्पीड के लिए हमें टाइम चाहिए, तो हम सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हर घंटे का हिसाब निकालो, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 69 टन वाटर एनफ है कि ब्लैक पर्ल डूब जाएगा, ठीक है। तो 2/1/4 टन ऑफ वाटर इन 5/1/2 मिनट, मतलब मैं कहूँ तो 11/2 मिनट में कितना मिलेगा, 9/4 टन वाटर, 4, तो एक मिनट में कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा, तो उल्टा हो जाएगा 2/11, टू 2 × 4, एक मिनट में 9/11 × 2, तो 60 मिनट में, या फिर एक घंटे की बात करें तब कितना होगा, 9/2 × 1/11 × 60, तो ये कट गया, 30 आ गया, यानी 270/11 टन। लेकिन अगर सवाल को रीड करोगे तो जब कोई शिप डूब रही है तो कुछ ना कुछ तो उसके पास रहता है, हथियार, हथियार मतलब पंप, पंप से वो पानी बाहर कर रही है ब्लैक पर्ल, कैसे बाहर कर रही है, 12 टन ऑफ वाटर पर आर, एक घंटे में इतना पानी अंदर शिप में आ जाएगा और 12 टन पानी बाहर चला भी जाएगा, तो रिमेनिंग वाटर इन 1 आवर, तो कैसे करोगे, तो 270/11 में से 12 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 270 - 11 = 132/11, तो 270 में से 132 यानी 32 × 3 = 60 और 8 × 2 = 10 = 70, 138/11 टन। तो अगर मैं कहूँ समय कितना लगेगा, टाइम, अच्छा बताओ सोचो कि कितने टन में ब्लैक पर्ल डूब जाएगा, तो ब्लैक पर्ल डूबेगा 69 टन में ब्लैक पर्ल डूब जाएगा, और हर घंटे में इतना टन पानी जा रहा है तो कितने घंटे लगेंगे, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो टाइम बताते हैं, देखो समझो, 138/11 टन कितने में, एक घंटे में,
तो 69 टन कितने घंटे में, आप समझो? तो 1/130/11, राइट? अब हमें निकालना है और इंटू 69, कैसे भाई? इतना टन एक घंटे में, तो एक टन बहुत कम समय लगेगा, 11/138 लगेगा, है ना? तो 69 टन कितना घंटे में लगेगा? आप ये समझ लीजिए, उल्टा करके 11/138 × 69, एक लाइन में समझ लो, तो 69/2, यानी 11/2 आर में ब्लैक पर्ल डूब जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दीजिए, 11/2 आर में ब्लैक पर्ल डूब जाएगा। अब हमें पता था कि जो ब्लैक पर्ल की जो लोकेशन थी वो शोर से 77 किलोमीटर दूर थी, तो मैं टोटल स्पीड की अगर बात करूं तो टोटल स्पीड कितना होगा? तो टोटल स्पीड जो होगा दैट इज 77/11/2, तो दैट इज 14 किलोमीटर पर आर। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाया जाए प्लीज़। 14 किलोमीटर पर आ गया। क्वेश्चन में है कि इन विच जैक स्पैरो इज मूव्स विद 6 किलोमीटर पर आर एस्केप्स एलिजाबेथ सून। एक रेस्क्यू शिप आ जाती है जो बचा लेती है, मेरे को हटाया जाए प्लीज़। तो एक जो जैक स्पैरो, अब दोनों आएंगे, ऐसे आएंगे डाउन, अप का टेंशन मत लो। मैं जैक स्पैरो मान लो डाउन जा रहा है, तो जैक स्पैरो प्लस वाई होगा, एलिजाबेथ मान लो अपोजिट जा रही है तो माइनस वाई होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जैक स्पैरो प्लस एलिजाबेथ वाला होएगा मामला, और इनका सम 14 हुआ। तो अगर जैक स्पैरो की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आर, तो एलिजाबेथ सोन की स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर आर। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये आपके पास सवाल होगा, और आप इसको किस हिसाब से सॉल्व करोगे। तो देखो, ऐसे बहुत सारे सवाल आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपकी सोच और डेवलप होगी और नए नए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। सो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बैच का भी लिंक दिया गया है SBI के लिए, सुपर स्पेशल कॉन प्लस DI, आप वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम ऐसे ही सवाल देखेंगे अनलिमिटेड। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।